नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि नए घर में शिफ्ट होने से पहले हमें क्यों दावत देनी चाहिए। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जब हम किसी भी नए घर में शिफ्ट हों, खासकर हमने नया घर बनाया है या नया घर खरीदा है, तो हमें उसमें शिफ्ट होने से पहले दावत देनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर हमने पुराने घर को भी रेनोवेट कर दिया है, कोई हमने पुराना घर खरीदा है और उसको हमने नए तरीके से रेनोवेट कर दिया है, या पुराना घर भी खरीदा है जो आपके लिए एक नया घर है, तो भी हमें दावत देनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हर इंसान को इस चीज़ को अमल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। अक्सर होता क्या है कि लोग कंजूसी कर जाते हैं कि इतने लोगों को बुलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खर्चा होगा। पर दोस्तों, अगर आप वाकई में उस मकान में रह के बरकत चाहते हो, उस मकान में बसना चाहते हो, उसको घर बनाना चाहते हो, तो उसका रास्ता दावत से ही जाता है। सबसे पहले कोई भी जब बंदा मकान में शिफ्ट होता है, चाहे नया मकान बनाता है, तो सबसे पहली जो चीज़ शुरुआत होती है, अगर हम मकान निर्माण की बात भी करें कि मकान नए सिरे से बन रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो आस पड़ोस की नज़र होती है। अब पहले प्लॉट था, बहुत बुरी हालत में था, या कोई पुराना मकान था, बुरी हालत में था, या कैसी भी उसकी कंडीशन थी, लोग वहाँ कूड़ा भी डालते थे, सारी बात है। पर जब वहाँ साफ सफाई हो जाती है, नई निर्माण बनने लगता है, नई बिल्डिंग ऑब्वियस सी बात है पुरानी बिल्डिंगों के कंपैरिजन में, पुराने मकानों के कंपैरिजन में बेहतर दिखेगी, सुंदर दिखेगी, आज के हिसाब से होगी। अब कोई भी आप सेक्टर में प्लॉट लेते हो और उसमें मकान बनाते हो, तो जो पुराने मकान बने हुए हैं वो पुराने स्टाइल के हिसाब से बने हुए हैं। आप जो बनाओगे नए स्टाइल के हिसाब से बनाओगे, नया आर्किटेक्चर होगा, नया पेंट होगा, बढ़िया चीज़ें होंगी, तो ईर्ष्या अपने आप हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या शुरुआत से ही अफेक्ट करना शुरू कर देती है नेगेटिवली। दूसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है, अगर उस जगह पे कोई स्थान देवता हो या कोई भी तरीके से कोई ऊर्जा हो, तो आप कोई भी तरीके का निर्माण कर रहे हो तो वो अफेक्ट करने लगती है, क्योंकि उसको रोकना चाहती है निर्माण को। इसके अलावा तीसरा, कोई भी नए जो आप जगह किसी भी भूमि पे आप कुछ निर्माण कर रहे हो, तो ये भूमि किसकी कहलाती है? चाहे भले ही आपने खरीदी है, पैसा लगाया, रजिस्ट्री कराई है, पर सही मायने में ईश्वर की है भूमि। तो ईश्वर को बिना मनाए किसी भी जगह पे जाना अपने आप में अनिष्टकारी होता है, अशुभ होता है। और उसके अलावा रिश्तेदारों की जलन, रिश्तेदारों की हाय, यार दोस्तों की जलन, वो भी तो होती ही है। तो उन सभी को शांत करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दावत देना, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, उस पर दावत देना। खाली आप गृह प्रवेश ना करें, बल्कि एक छोटी सी सूक्ष्म सी पार्टी कर दें उसी घर में, चाहे घर की छत पे कर दें, चाहे घर के वरांडे में कर दें। अगर आप फ्लैट में भी शिफ्ट हो रहे हैं तो कोई छोटी सी दावत, वैसे कुछ चंद लोगों को बुला लें, खासकर आस पड़ोस के लोगों को, पड़ोसियों को। ये दावत पड़ोसियों को देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप और किसी को दे ना दें। आपके बजट के हिसाब से आप कोई ज़्यादा चीज़ें ना रखें, आप चार चीज़ें भी रख देते हो तो भी वो काफ़ी है, पर अपने आस पड़ोस की, अपनी कॉलोनी की, जिस जगह पे आपका मकान है उसके आस पड़ोस के लोगों को ज़रूर बुलाइए। जब उन्हें भोजन वो ग्रहण करेंगे आपके घर में, आपके गृह प्रवेश के उपलक्ष में, और मीठा उसमें खासकर ज़रूर होना चाहिए, चाहे हलवा हो, गुलाब जामुन हो, जब वो ग्रहण करेंगे तो आधी से ज़्यादा मैक्सिमम उनकी जो नज़र हाई है, जो जलन है, वो शांत होने लगेगी। हालांकि लोग जो गंदे होते हैं जलने वाले, देखो वो तो गंदे रहेंगे ही, पर बहुत हद तक ये सप्रेस भी करती है। दूसरी चीज़, जब आप दावत दें तो एक थाली अपने ईश्वर के नाम की, भगवान के नाम की माँ निकाल लें, और वहाँ पे अपने घर में ज़रूर पहले ही एक मंदिर स्थापित कर लें, उनको भोग लगाया जाए, ताकि हम ईश्वर को ये बता सकें कि तुम्हारी दीवी इस ज़मीन पर, जो हमने मकान निर्माण किया है तुम्हारे ही दिव्य संसाधनों द्वारा, तो तुम्हारे को पहला इन्विटेशन है, तुम्हें हम ये दावत देते हैं इस मकान में आके खाने की। तो अपने आप में पहला इन्विटेशन ईश्वर को जाएगा, दूसरा आप अपने पड़ोसियों को बुला लो, तीसरा वहाँ पे अगर कोई भी स्पिरिट होगी, स्थान देवता होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो एक छोटी सी थाली जिसमें अपने थोड़े बहुत सब्जी वगैरह आप निकाल के आप मुंडेर पे रख दो, यानी कि दीवार पे रख दो या छत पे रख दो उनके नाम की, तो वहाँ पे अगर कोई भी देवी देवता, स्थान देवता होगा, कोई भी और स्पिरिट होगी, तो वो उसमें से ग्रहण कर लेगी। अपने आप पक्षी के माध्यम से भी ग्रहण कर लेती हैं ये, और वैसे भी अपने आप ग्रहण कर लेती हैं। उसके अलावा जो है कुछ भोजन, उसमें से थोड़ा सा एक कुत्ते को, चींटियों को, गाय को भी ज़रूर दीजिए, जो भी जानवर आपके आसपास गली में है उनको डाल दीजिए, तो इससे भी बहुत हद तक
जो हाय होती है, नज़र होती है, कटती है, तृप्ति होती है जीव जंतुओं की, तो उससे भी कहीं ना कहीं कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जो आपका पर्पस है, वेरी पर्पस उस मकान में जाने का, वो आपका फोरफिट नहीं होगा। और कोई भी अगर वहाँ पे स्पिरिट होगी तो वो उससे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अब अगर आपका बजट ठीक है, आपके घर में जगह है लोगों को अकोमोडेट करने की, या आपके जगह के बराबर कोई प्लॉट है, वहाँ पे आप परमिशन लेके या थोड़ी वहाँ पे थोड़ा सा टेंट वगैरह लगा के लोगों को जिमा दो, रिश्तेदारों को, जानकारों को, तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है। जो भोजन है अपने आप में इतना सुंदर माध्यम है जिससे हम लोगों की नाराज़गी भी दूर कर सकते हैं, उनको अपना भी बना सकते हैं। और कभी भी जो भी आप दावत देंगे इसमें मीठा ज़रूर शामिल कीजिएगा, मीठे के बगैर दावत अधूरी है। तो जब आप दावत दे के गृह प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी कि हाँ आप मकान में आ गए हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, गृह प्रवेश करते वक्त दावत के साथ साथ आपको ढोल भी बजवाने हैं। जब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं तो बहुत हद तक जो शोर होता है, जो आवाज़ होती है, वो भी नेगेटिविटियों को दूर करती है। और ये एक अपने आप में एक सिग्नल आप दे देते हो कि हाँ अब इस घर के नए मालिक हमें, अब हम आ गए हैं। तो जो ऐसी वैसी छोटी मोटी ऊर्जाएँ बैठी होती हैं वो भी उस जगह से फिर हटने लगती हैं कि यहाँ तो ढोल बज रहा है, यहाँ तो आवाज़ हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ह्यूमन रेस आ गई है, यानी कि ह्यूमन बींग्स का रहना शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ पे कोई खास स्थान अब शायद बचा नहीं है, तो उनको ये इम्प्लाइड सिग्नल जाता है। तो ढोल ज़रूर बजवाएं अपने घर में, घर के आंगन में या घर के में, जिससे अच्छा शोर हो सके। और बाकायदा पूजा करके, बाकायदा हवन करके, चाहे आप हमारी धुनी से हवन कीजिए करके, पूरे घर में अच्छे से घंटियाँ बजा दें और पूरे घर आपका अपने आप ऐसे महक उठेगा आपकी अपनी ऊर्जा से, मंत्रों से, जाप से, पूजा पाठ से, भोजन की महक से। तो कहीं ना कहीं वो जो आगमन होगा आपका उस मकान में, वो काफ़ी आपके लिए शुभकारी साबित होगा। अब जो लोग डायरेक्टली सीधा घर में शिफ्ट कर जाते हैं, ना किसी को बुलाते हैं, ना दावत देते हैं, कुछ भी नहीं करते, इनको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। पहली नेगेटिविटी जो है पड़ोसियों की तरफ से ही आने लगती है कि हमें बुलाया नहीं। सब अकड़ में रहते हैं, अपनी ईगो की लड़ाई में आ जाते हैं कि हमें बुलाया नहीं, ये अकड़ू हैं, ये घमंडी हैं, इसका मतलब इन्हें ये है वो है। तो लोग अपने आप एजम्पशंस लगा लेते हैं और रिश्तेदार भी जलने लगते हैं, यार दोस्त भी जलने लगते हैं। और वहाँ पे अगर कोई एनर्जी है तो वो आपको खाते देख रही है, आपने उसके निमित्त कुछ निकाला नहीं है, कोई गृह प्रवेश नहीं हुआ, कोई प्रॉपर पूजा नहीं हुई, तो वो एनर्जीज भी परेशान करने लगती हैं, खासकर नेगेटिव एनर्जीज की जब हम बात करते हैं तो। और जो ईश्वर है वो भी रुष्ट होते हैं इस बात को लेके कि मैं सबसे मेन संपूर्ण तुम्हें ज़मीन देने वाला, रहने का हक देने वाला, और तुम मुझे ही भूल गए। ईश्वर भक्ति के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, और अपने आप में टूट सकते हैं। जब इंसान ईश्वर को भूल जाता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर के थ्रू जो कृपा आ रही है उसमें भी कमी आती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और साथ में छोटे छोटे डब्बे बनवा लें लड्डू के, चाहे चार लड्डू के, चाहे आधा आधा किलो के, चाहे एक एक किलो के लड्डू के, और जो भी आपके यहाँ खाना खा के जा रहे हैं उन सबको एक एक डब्बा लड्डू का ज़रूर दीजिए। वहाँ पे उस कॉलोनी के जमादार को, प्रेस वाले को, सफाई कर्मियों को, इन सबको भी एक एक डब्बा ज़रूर दीजिए। और एक डब्बा अपने घर, उसी घर के कॉलोनी के पास के मंदिर में भी दे आइए भोग लगा के, और वहाँ पे भोग लगवाइए, और बाकायदा वहाँ के पंडित जी से बोलिए कि हमारे नए घर के उपलक्ष्य में है, तो और उस उपलक्ष में हम ये डब्बा ईश्वर के चरणों में दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो वो भी ज़रूर आपको करना है। इससे भी बहुत हद तक कृपा आने लगेगी। उसके अलावा हमारी धुनी तो है ही है कल्याणकारी, आप इसमें सुपर प्लैटिनम धुनी यूज़ कीजिए, घर में जलाइए या सुपर गोल्ड जलाइए नए घर में, आपके हर तरीके से इतनी बरकत होगी, इतनी खुशियाँ आएंगी कि घर में जब आप प्रवेश करोगे तो सुख ही सुख होगा। अगर वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी भी होगी या वास्तु दोष भी होगा वो भी दूर होता चला जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत अहम है गृह प्रवेश करने के लिए, जो है जो बातें हैं अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने नए घर में, और लोगों का साथ भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आप भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर गोल्ड या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा, आप खुद कहेंगे कि हमने ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इस तरीके से फ़ायदा होगा।
आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। कोशिश कीजिए व्हाट्सएप मैसेज ही ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम अपने आप आपको कॉल बैक कर लेगी। अगर बहुत गुस्सा आता है तो आप हमारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच ज़रूर मंगाइए, या कड़ा मंगाइए शेरमुखी, उससे भी आपकी प्रोटेक्शन होगी, नेगेटिविटी दूर होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।